जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में शाम 8 से 9 बजे। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप शिरकत कर सकते हैं। आपका रियल स्टेट के मुतालिक कोई भी सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी मालूमात से आपकी मालूमात में इजाफा कर सके। इस स्टूडियो में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 6474840018। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमारी टीम से मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, तो मैं पहले उनका तारुफ करवा दूं। परवीन अरोड़ा हर हफ्ते की तरह हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, जपजीत हमारी प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट दिनेश अरोड़ा। वेलकम टू द शो एवरीबॉडी। चलो सर, मेरी तरफ से आवाज के सभी ही व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने आज का जो टॉपिक चुना है कि रियल स्टेट मार्केट इज गोइंग अप, व्हाट आर द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो इसके मुतालिक थोड़ी सी हम बात करेंगे कि फ्यूचर कैसा दिख रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके ऊपर बेस्ड हमें क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में रियल स्टेट मार्केट का रुख किस तरफ होगा, उसके बारे में थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि मार्केट में अभी करंट क्या चल रहा है। तो प्रवीण जी, थोड़ी सी मार्केट की अपडेट दें हमारे देखने वालों को। साहब, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि रियल स्टेट मार्केट में एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा हो रही है पहले के मुकाबले। जी, जैसे पिछले साल मार्केट में अप्रैल मई के बाद काफी चीजें चेंज हो गई थी इन टर्म्स ऑफ प्राइस और इवन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अभी भी ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ी है, बट एटलीस्ट ये है कि मार्केट में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई है, मतलब पिछले कुछ महीनों के कंपैरेटिवली। और जो प्राइस में है, जैसे पहले प्राइस बिल्कुल नीचे जा रहा था, बैंक्स भी काफी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अभी शायद ये बॉटम नहीं हुआ और प्राइसेस नीचे जाएंगे। हम आगे जाकर इसके बारे में भी बात करेंगे कि अब बैंक्स ने भी ये बात बोलनी शुरू कर दी है कि मार्केट द्वारा बाउंस बैक करना शुरू हो चुकी है, जो कि हम पिछले काफी प्रोग्राम्स में कई बार डिस्कस कर चुके थे कि हमें लगता नहीं है कि मार्केट में और ज्यादा प्राइस नीचे जाएंगे। अब खैर, नीचे जाने वाली बात तो खत्म हो चुकी है, अब तो प्राइस ही दोबारा ऊपर की तरफ फिर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो जो मार्केट का आज की डेट में अपडेट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्राइसेज का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो नीचे जाने वाला ट्रेंड था, डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो एक टाइम पे आकर एक स्टेबल हुआ, अब स्टेबल से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है दोबारा फिर। और दूसरा एक्टिविटी है, और नंबर तीन जो प्री कंस्ट्रक्शन था, जो नए घरों की बाइंग सेलिंग के बारे में हम बात करते थे, जपजीत आज हमारे साथ है, वो भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बाकी दिनेश रीसेल से है, रीसेल में भी दिनेश हम देख रहे हैं कि अभी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बढ़ना शुरू हो चुकी है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना शुरू हो चुकी है रीसेल में भी, खास करके जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि क्योंकि छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो लोग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, तो वहां पे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, बायर तो पहले भी थे मार्केट में, जी, बट ओनली थिंग कि कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, तो दे वर नॉट एबल टू मेक द डिसीजन, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि अभी बनाएं या थोड़ा रुकें। जी जी। और एक जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो अंडर 1 मिलियन है, उस पर एक और एक्टिविटी ज्यादा रहने का रीजन ये भी हो रहा है क्योंकि कईयों के पास डाउन पेमेंट जो है वो सिर्फ 10% है, तो इसीलिए उसके ऊपर एक्टिविटी ज्यादा है। और अब पिछले अगर कुछ टाइम से देखें, 2-3 वीक से, कि जैसे उन प्रॉपर्टीज में एक्टिविटी आई है और जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी सेल की है और आगे कुछ बड़ा देख रहे हैं, थोड़ा जैसे कोई टाउन या सेमी सेल करके कोई डिटैच पे जाना चाहते हैं, तो वो भी आगे का डिसीजन बनाने के लिए दे आर मोर एग्रेसिव, को उनको भी लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी अब अच्छे रेट पे और विद इन शॉर्ट पीरियड बिक रही है, तो वो भी आगे डिसीजन बना रहे हैं। तो जो थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी अब एक्टिविटी दिखने लग गई है, उन पे भी मल्टीपल ऑफर्स और आप कहें कि फर्म ऑफर्स वगैरह आनी शुरू हो गई हैं, तो बायर अब डिसीजन बनाने लग गए हैं उनके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जो मार्केट में बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है, काफी वापस आ चुका है। जपजीत, आप भी एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जैसे अभी ओकविल में एक प्रोजेक्ट था जहाँ जो मतलब
टोरंटो में हम इटोबिको में प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, उनके ऊपर अब कैसे रिस्पॉन्स है लोगों का? रिस्पॉन्स भी कंस्ट्रक्शन में काफी इंक्रीज हुआ है. कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हम देखते हैं कि बहुत बायर्स आ रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं यूनिट, काफी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है अब. मतलब जैसे रीसेल मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी है, वैसे ही प्री कंस्ट्रक्शन में भी काफी एक्टिविटी हमें नजर आ रही है. डेफिनेटली बहुत एक्टिविटी नजर आ रही है. मेनली बात यही है टेलो सब के, ये जो फर्क हमें नजर आ रहे हैं ना रीसेल में भी प्री कंस्ट्रक्शन में भी, अभी कमर्शियल के बारे में थोड़ा सा कॉमेंट करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि उनकी मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पहले ज्यादा नीचे भी नहीं गई थी और अभी उसमें कुछ ज्यादा मुझे चेंज नहीं नजर आ रही. बट जो रेजिडेंशियल रियल स्टेट है उसमें तो ये काफी एक्टिविटी अब नजर आ रही है पहले के कंपैरेटिवली. जी बिल्कुल. तो आप अगर हम बात करें फ्यूचर आउटलुक की, फ्यूचर प्रोडिक्शंस की, तो इसको हम मेरा ख्याल है कि दो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं. पहले तो आप ये मुझे बताएं कि आप प्राइसेस कैसे देख रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस कैसी रहेंगी. देखो जीरो साहब, जैसे आपको याद है कल हम दूसरे शो में भी बात कर रहे थे जी, एक चीज जो है जीटीए की मार्केट में जो कि कंसिस्टेंटली बनी हुई है और जो कि हम आज से एक टाइम की बात नहीं कर रहे, अगर मैं पिछले 10 15 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं जीटीए की मार्केट का जी, तो पिछले 15 20 साल से जीटीए में एक लगातार डिमांड बनी हुई है. डेफिनेटली उसके रीजंस चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इमिग्रेशन उसका रीजन है, दूसरी प्रोविंसेस से भी लोग यहाँ पे मूव करते हैं, कई बार लोग यहाँ से मूव करके बाहर भी गए हैं, दोबारा फिर वो वापस आ जाते हैं. बिल्कुल. मतलब ये कह लो कि यहाँ पे लोगों को अपना कल्चर, अपना फूड, बाकी सारी चीजें मिलती हैं. जीटीए में पिछले 15-20 साल से जब से हम इस बिजनेस में आए हैं कंटिन्यूसली डिमांड बनी हुई है. जब तक वो डिमांड बनी हुई है ढिल्लों साहब, मुझे नहीं लगता कि प्राइसेज में कभी भी चैलेंज आएगा, क्योंकि प्राइसेज में चैलेंज आने का कारण ये सबसे बड़ा है जब कंसिस्टेंटली डिमांड है. क्योंकि जीटीए में लैंड तो देखो बढ़ नहीं रही कि हम ये बात कहें कि लैंड बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है. अगर लैंड बढ़ नहीं रही, डिमांड लगातार बढ़ रही है, हालांकि जैसे कि अब जो अपने कॉन्डोज हैं, कॉन्डोज के काफी ज्यादा टावर्स आ रहे हैं, बहुत मतलब कॉन्डोज में डेवलपमेंट हो रही है, बट कॉन्डोज की डेवलपमेंट होने के बावजूद भी अभी ये लग रहा है कि वो भी इस डिमांड को मेकअप नहीं कर पा रही. जब तक ये डिमांड बनी रहेगी मुझे नहीं लग रहा कि जीटीए में प्राइसेस का कोई आने वाले टाइम में चैलेंज आएगा. यस, जैसे अभी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर टेम्परेरी किसी चीज को पॉज किया है, ऐसी सिचुएशन फिर भी आ सकती है आने वाले टाइम पे, पर अगर डिमांड ऐसे ही स्टेबल रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस के ऊपर कभी भी कोई चैलेंज आएगा जीटीए में. वैसे भी अगर देखा जाए तो रियल स्टेट जो है एक साइक्लिकल बिजनेस है. बिल्कुल. इसमें साइकल्स आते रहते हैं, प्राइसेस कभी थोड़ी सी नीचे जाती हैं, कभी ऊपर जाती हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमेशा जो ग्राफ है वो ऊपर ही गया है. बिल्कुल. और ये भी जो मतलब इतिहास इस बात का, तारीख जो है इस बात की गवाह है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं बना है तो वो रियल स्टेट में ही बना है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब आपका यही है कहने का कि प्राइसेस जो हैं वक्ती तौर पे तो हाँ थोड़ी बहुत कभी उसमें डिफरेंस आ सकता है प्राइसेस में, लेकिन लॉन्ग रन में ये प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाएंगे. देखो सिंपल सा फार्मूला है जिनो साहब कि जब तक डिमांड है. बिल्कुल. आप प्राइसेस को कैसे नीचे ला सकते हो? एग्जैक्टली. और दूसरी बात एक और है, लैंड बढ़ नहीं रही है. बिल्कुल. सप्लाई भी बढ़ रही है बट सप्लाई इतनी नहीं बढ़ रही जितनी डिमांड है. बिल्कुल. और अगर हम आज बात करें, आते टाइम दिनेश बात कर रहे थे या शायद आपसे बात हो रही थी कि आज की डेट में आई थिंक शायद हमारे ये किसी व्यूअर का क्वेश्चन था मेरा ख्याल, वो जो हमें टेक्नीशियन बता रहे थे कि किसी ने बोला है कि इस क्वेश्चन के बारे में भी जवाब दिया जाए शो के अंदर, कि टोरंटो में जो कॉन्डो है उनका $3,000 रेंट हो चुका है. ये बात बिल्कुल सही है. बिल्कुल. कि आज की डेट में टोरंटो में जो कॉन्डोमिनियम है एक दो बेडरूम के, उनका $3,000-$3,000 रेंट हो चुका है. बिल्कुल. और $3,000 रेंट क्यों हो चुका है और ये वो कॉन्डोज हैं जो एवरेज कॉन्डोज हैं, हम कोई लग्जरी कॉन्डोज की बात नहीं कर रहे. बिल्कुल आपकी बात सही है. जी, जी. तो अगर वहां पे देखो $3,000 रेंट हो चुका है उसका, वो क्यों $3,000 रेंट है? क्योंकि डिमांड है, लोग वहां पे रहना चाहते हैं. और अगर डिमांड है, चाहे वो रेंटल मार्केट है चाहे वो बाइंग के लिए है,
तो वो मार्केट में उस चीज को जो सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला है वो हमेशा ही ढिलोसा मार्केट में काम करता है। तो मुझे प्राइसेज के बारे में टेम्परेरी पॉज के बिना जीटीए की मार्केट में कोई ऐसा चीज नहीं नजर आती कि जहां पे प्राइसेज नीचे चले जाए। जी, हम देख रहे हैं कि काफी लंबे अरसे से अगर पीछे हम देखें, पिछले 2-3 साल का अगर वक्फा हम देखें, जो इन्वेंटोरी है वो लगातार जो है वो कम बनी हुई है। हम काफी लंबे अरसे से इस प्रोफेशन में हैं, तो हम देखते थे कि नॉर्मली जो अगर ब्रैम्पटन की बात करें तो 1400-1500 से लेके 1700-1800 के बीच में फ्री होल्ड हाउसेस की इन्वेंटरी रहती थी। लेकिन आज अगर हम देखें और पीछे भी मतलब ये ट्रेंड रहा है कि इन्वेंटरी जो है तकरीबन 500-600 या इससे नीचे ही है, तो इन्वेंटरी को आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? मुझे नहीं लग रहा डेलो साहब कि जीटीए में इन्वेंटरी भी अब आगे ज्यादा बहुत बढ़ेगी, खास करके ये वाला जो साल है जी। इस साल में मुझे जो लगता है कि इन्वेंटरी का नंबर ऐसे ही लो रहेगा जैसे अभी ये नंबर चल रहा है। हो सकता है कि लिस्टिंग में मतलब जैसे आज की डेट में अगर हम ब्रैम्पटन मिसागा की बात करें तो टोटल नंबर कितना क्या ब्रैम्पटन मिसागा में, आई थिंक ब्रैम्पटन में तकरीबन 550 के करीब है, 1000 के आसपास कह लें, 1000 दोनों में मिला। तो जबकि ये दोनों सिटीज में जो पहले जो नंबर होता था वो 3000 के करीब होता था, अब 3000 से ये दोनों सिटी में नंबर 1000 पे आ गया। मुझे अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा चेंज नजर आती है तो 500-700 और लिस्टिंग्स की बात नजर आती है। 3000 का नंबर मुझे आज की डेट में नहीं लगता कि 2023 में लिस्टिंग का कभी भी टच करेगा। जी, हालांकि गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि इस इन्वेंटरी को बढ़ाया जाए, उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया। ढिल्लो साहब, गवर्नमेंट के पास कोई फार्मूला ही नहीं है इन्वेंटरी बढ़ाने का, दैट्स द रियलिटी। चाहे वो जैसे मर्जी बातें कहते रहे, आप एक खुद चीज देखिए कि ऐसा कोई मैकेनिक हमें नजर आता है कि वो आने वाले टाइम में जो ये डिमांड प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आई थिंक कितनी 14-15 हजार घर साल का चाहिए जी, जो टू आने वाले 8-10 साल में 1.5 मिलियन का है तो वो 1500 मकान हो गए, 15,000 के करीब मकान है जो वो चाहिए जी, राइट। और मुझे नहीं लग रहा कि वो पॉसिबल भी है आज की डेट में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इतने वो बन जाएंगे जी एक साल के अंदर। और एक दूसरी चीज अभी देखने आई है इन्वेंटरी में कि जैसे एक तो बायर अपने लिए एंड यूजर एक प्रोडक्ट बाय करता है, अब जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रेंटल मार्केट है वो बहुत ऊपर चली गई है जी जी, तो अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कोई छोटी प्रॉपर्टी अंडर ए मिलियन में बाय कर लेता हूं तो वो रेंट से मेरे को काफी ब्रेक इवन हो जाएगा उसपे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आगे टेनेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अब इन्वेस्टर्स भी छोटी प्रॉपर्टीज को बाय करने के लिए दोबारा डिसीजन बनाने लग गए हैं। और एक ये भी रीजन है कि एक तो एंड यूजर है, एक इन्वेस्टर भी बाय कर रहा है। अब पहले इन्वेस्टर थोड़ा रुके हुए थे, उनको लग रहा था कि प्राइस बढ़ रहा है, बट जब अब वो देख रहे हैं कि प्राइस के साथ साथ रेंटल मार्केट भी ऊपर चली गई है, तो अब उन्होंने भी डिसीजन बनाना शुरू कर दिया है। सो दैट्स व्हाई आल्सो इन्वेंटरी का जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा जी। तो आपको लगता है कि अगर ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं तो ये फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए फिर से चैलेंज होगा? ऑब्वियसली अगर छोटी प्रॉपर्टी है, अगर उसमें फर्स्ट टाइम बायर और अगर कोई इन्वेस्टर भी आते हैं तो डेफिनेटली वो कंपटीशन में है, और इसीलिए वो जो प्रॉपर्टी है आज की डेट में फिर वो मल्टीपल ऑफर के ऊपर जा रही है जी, 8-10 ऑफर तो इजीली अब दिखने लग गई हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रवीण जी इसका क्या हल है, क्योंकि हमने देखा है कि पीछे भी कोविड के दौरान भी जब प्राइसेस में सर्ज आया तो जो सबसे पहले अफेक्ट हुए वो फर्स्ट टाइम बायर्स हुए। हाँ जी, और आज की मार्केट में भी वही अफेक्ट उनके ऊपर दोबारा से आ रहा है, तो आप कैसा देखते हैं कि मतलब क्या किया जाए, कुछ कैसे ऐसे स्टेप्स कुछ लिए जाएं कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये तीन हमारी जरूरी चीजें हैं, और अगर यहाँ का जो वेदर है वो इतना एडवर्स है खास करके विंटर में कि हम देखते हैं अपने मुल्कों में कि वो मतलब किसी भी तरह का एक छत डाल के फैमिलीज वहां पे रह रही हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? जो फर्स्ट टाइम बायर्स की बात है, बड़ी बार हमने ये बात की है और लोगों ने हमसे भी कई बार वो हमारा ओपिनियन मांगते हैं जी। मुझे जो लगता है कि ये जो फर्स्ट टाइम बायर है, जब भी उनके लिए पॉसिबल हो, अगर वो जीटीए में रहना चाहते हैं
मैं दोबारा ये बात को बड़ा स्ट्रांगली कहता हूं, मैंने पहले भी इस बात को बड़ी स्ट्रांगली कहा है कि अगर वो जीटीए में रहना चाहते हैं तो जब भी उनको मौका मिले, उनकी अफोर्डेबिलिटी बने, वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई होते हो, जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके भी प्रॉपर्टी लेनी पड़े, उनको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी जीटीए की मेन कोर में नहीं बनती पर किसी भी कारण से, तो उनको जीटीए के थोड़ा बाहर भी अगर कोई आधे पौने घंटे की ड्राइव के ऊपर भी कोई ऑप्शन मिलती है तो उनको वहां पे भी ऑप्शन लेनी चाहिए जी। और अगर उनको कोई प्री कंस्ट्रक्शन में ऑप्शन ठीक लगती है तो उनको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आज हम बात करें, अगर हम जैसे अपने बैक होम्स की इंडिया पाकिस्तान की बात करें, हालांकि तो वहां पे भी जो मेजर सिटीज थे आज से 20 साल पहले, उन मेजर सिटीज के जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो काफी ज्यादा डेवलप हो गए हैं और वो इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि उनके प्राइसेस मेजर सिटी से भी ज्यादा हो गए हैं वहां पे तो जी, ठीक है जी। पर जहां पे, चलो मैं ये बात कहता हूँ कि मेजर सिटी से प्राइसेस ज्यादा ना जाए, कम से कम आप एटलीस्ट वहां पे कोई ना कोई चीज बाय करें। और आज के इस प्रोग्राम में मैं जो जो चीज है, एक दो चीजें बड़ी स्ट्रांगली बात करना चाहता हूँ ढिल्लो साहब, कि जैसे जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए हम बात कर रहे हैं जी, आप आजकल जो प्री कंस्ट्रक्शन में कई ऐसी ऑप्शंस हैं कि जो मेरे को लगता है कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जहां जो लोग यहाँ पे घर नहीं ले पा रहे वो साइड में थोड़ा सा दूर होने की वजह से वहां पे आज उनको प्राइस वगैरह अच्छा मिल रहा है। हमारे पास ढेलो साहब एक कैम्ब्रिज में काफी अच्छी ऑप्शन है, इसकी बात हम करेंगे। अभी हमें इशारा हो चुका है हमारे टेक्नीशियन का कि वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद इसी बात को कंटिन्यू रखेंगे। हम यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुसन का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुसन को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा, अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल नाउ 4373242885। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, वन स्टॉप ब्यूटी सैलून। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुसन का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुसन को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा, अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल नाउ 4373242885। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, वन स्टॉप ब्यूटी सैलून। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा? जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं, जो उनकी जरूरी गजाइत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं।
मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं। चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट, खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमू सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं। चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704. Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं, जो आप बा आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. So, now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, jalebiyan, fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoq is providing full service now and Zoq has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoq देखकर लोग कहेंगे क्या Zoq है आपका? All right now 905-625-7786 Zoq, Zoq वालों के लिए। जी, welcome back to the show. आप देख रहे हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये एक लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। आपका रियल स्टेट के मुतालिक कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमें कॉल करने के लिए नंबर है 6474840018। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो प्रवीण जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो सराउंडिंग एरियाज हैं। बिल्कुल। तो क्या ऑप्शंस हैं थोड़ी सी जो हम डिस्कस कर सकते हैं, अपने देखने वालों को बता सकते हैं? सराउंडिंग एरियाज में ढिल्लो साहब, अगर हम ब्रैम्पटन मिस्सागा मिल्टन वेस्ट की बात करें, तो ये जो एरिया है केडब्ल्यूसी, जिसको हम बोलते हैं किचनर, वाटरलू और कैम्ब्रिज, ये एक मुझे अपकमिंग एरिया नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे अगर हम बात करें मिल्टन को, नॉर्थ ओकविल को, ब्रैम्पटन को, इन तीन सिटीज को मिसिसागा के ओवरफ्लो का बेनिफिट मिला। Definitely. इन तीनों जगहों को, ओकविल में ठीक है, साउथ ओकविल पहले डेवलप था, पर जो नॉर्थ ओकविल है सारा, वो अगर आप देखें ब्रैम्पटन, मिसिसागा और मिल्टन का ओवरफ्लो है वहां पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मिल्टन में ज्यादा मिसिसागा का ओवरफ्लो है और ब्रैम्पटन में भी सेम चीज हुई। बिल्कुल। अब ये जो सिटीज है, इन सभी सिटीज का जो ओवरफ्लो का बेनिफिट है वो मुझे लग रहा है कि किचनर वाटर कैम्ब्रिज को मिलेगा, बर्लिंगटन को, ओकविल का मिला। ये जो चीज है ये लगातार होती आई है और आगे रिपीट होती जाएगी। कैम्ब्रिज में हमारे पास जो मुझे आज की डेट में फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए लग रहा है कि जैसे कोई भी फर्स्ट टाइम बायर है, अगर वो 7 लाख की रेंज में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और उनको यहाँ पे मेजर सिटीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नई चीज मिल रही है, अभी मॉर्गेज नहीं कमिट करना चाहते, उनके लिए वहां पे काफी अच्छी ऑप्शंस है। तो आई थिंक जगजीत आप बताएं कि जो कैम्ब्रिज में हमारे पास प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, जब जो अपने डिटैच घर भी लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है और क्या उसके डिपॉजिट स्ट्रक्चर वगैरह उसका क्या है?
जी, जिस तरह आप कह रहे हो कैम्ब्रिज बहुत अप एंड कमिंग एरिया है इस वक्त, ड्यू टू 401 का एक्सेस जो आपको इजिली कनेक्ट करता है टू द जीटीए एज वेल, एंड इधर टाउन होम्स है 700 की रेंज से, एंड आप 30 एंड 36 फुट लॉट भी ले सकते हो डिटैच 900 की रेंज से, जो अमेजिंग प्राइसेस है कंपेयर टू अगर आपने इधर लेना हो ब्रैम्पटन मिसागा की। अगर खैर मिसागा को बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो कुछ इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अगर ब्रैम्पटन की बात करें तो मिलियन के आसपास एक टाउन हाउस बिक रहा है यहाँ पे। एक चीज मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दिनेश, आप एक मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात बता रहे थे कि मिसागा में एक प्रोजेक्ट है, क्या प्राइस रही थी उसकी? देखिए जब इनिशियली अभी वो इस वीकेंड पे ही लॉन्च हुआ है, तो जब इनिशियल उनकी जो प्राइस लिस्ट थी तो उनके जो प्राइसेस स्टार्ट हो रहे थे 1.180 से 7980 से स्टार्ट हो रहे थे इनसे प्राइस, और वो फोर स्टोरी हाउसेस वहां पे बन रहे हैं टाउन हाउस 16 फीट के लॉट है। ओके और संडे को उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और वेडनेसडे को हमने अपने हमारे एक क्लाइंट थे उनको इन्फॉर्मेशन भेजी थी, एंड दे आस्क्ड मी कि हम इस पर्टिकुलर मॉडल में इंटरेस्टेड हैं। And I was shocked to know कि उन्होंने कहा कि हमारे मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड आउट है, और हमने 40 से 60,000 तक प्राइस बढ़ा दिए हैं हर यूनिट पे। जो प्राइस 1.180 का था वो 1.240 में कर दिया। और यहाँ पे विद इन 3 days, जब जीत आप बताएं कि वहां पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है टाउन हाउस की। यहाँ पे देखिए आप कंपेरिजन देखिए कि ढिलो साहब 1.240 का टाउन हाउस हो गया मिसिसागा में, इधर कैम्ब्रिज में 700 से, और कैम्ब्रिज में वही 700 क्या टू स्टोरी है। ये फोर स्टोरी है और प्लस इसके ऊपर $200 मेंटेनेंस फीस भी है, बिल्कुल होल्ड भी नहीं है। चलो अगर तो मैं कहता हूँ ढिल्लो साहब, अगर किसी ने मिसिसागा में ही रहना है उनकी अफोर्डेबिलिटी है, दैट्स फाइन। हम ये नहीं कहते कि वहां पे घर मत बाय करो, बट अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो घबराओ मत। आप ये मत सोचो कि यार हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ऐसी जो ऑप्शंस हैं जो कि 35-40 मिनट की ड्राइव पे है, ऐसी ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे भी अगर मिसागा के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आपको जाना पड़े तो 35-40 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं, वहां की ड्राइव है। जी जी इसका डिपॉजिट कितना है वो भी बताएं जरा। या टाउन हाउस का 75,000 डिपॉजिट है तो 6 मंथ्स में देना है, एंड डिटैच का 100,000। 75,000 डॉलर 6 मंथ में डेलो साहब, व्हिच इज अ वेरी गुड डिपॉजिट स्ट्रक्चर डेफिनेटली। और इनकी क्लोजिंग्स कब की है? इनकी लेट 2023 टू मिड 2024। लेट 2024 से लेकर 4 से या 24 में क्लोजिंग है इनकी, डिपेंडिंग ऑन लॉट आपकी फिर क्लोजिंग उसके डिटरमिन होती है। तो लीजिए मैं मतलब आज थोड़ा सा इस चीज के बारे में हम इसलिए स्ट्रांगली बात कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत से लोग कॉल करते हैं। आज भी एक मुझे जब हम आए हैं तो हमें एक क्वेश्चन मिला है, उनके क्वेश्चन का भी हम जवाब देते हैं। वो भी फर्स्ट टाइम बाय करना चाह रहे हैं, उनका भी जो क्वेश्चन है उसको भी हम शो में ही जवाब देते हैं अभी। कि जो फर्स्ट टाइम बायर है, अगर आप मिसिसागा में रेंट पे रह रहे हैं, आप यहाँ पे इतना रेंट पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे 1.2 का टाउन हाउस नहीं बाय कर पा रहे, तो आप 7 लाख का थोड़ा दूर जाकर ऐसी ऑप्शन ले लीजिए ताकि आप कम से कम मार्केट में एंटर कर जाएंगे। अगर वहां पे आप मार्केट में एंटर किए होंगे, आने वाले 3-4 साल 5 साल में आपके पास ऑप्शन होगी दोबारा मिसिसागा में एंटर करने की। अदरवाइज ढिल्लो साहब मुझे नहीं लग रहा कि वो मार्केट में एंटर भी कर पाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वो $75,000 दे के 7 लाख के ऊपर जो है वो गेन जो है वो करेंगे, क्योंकि ग्रोथ अगर आप 75,000 बैंक में रखते हैं तो वो सिर्फ 75,000 की ग्रोथ होगी, लेकिन 75,000 डाउन देके आप प्री कंस्ट्रक्शन में एक घर बुक कर लेते हैं तो वो आपकी 7 लाख पे जो है अप्रिसिएशन होगी, तो उसमें आपकी एक्विटी जो है काफी बढ़ जाती है उसमें। तो जो डिटैच है उनकी भी थोड़ा सा डिटेल बताना है, क्योंकि डिटैच का प्राइस भी मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। या डिटैच का प्राइस 900 से है पर 30 फुट लॉट, और उनका डिपॉजिट क्या है? 100,000 उनका 100,000 मतलब बॉटम लाइन क्या है, 10% के करीब डिपॉजिट। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि 10% डाउन पेमेंट से नीचे दिनेश हम बाय भी कर सकते हैं आज की रेट में, अगर 5 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी है तो। जी नहीं, यू हैव टू हैव 10%। तो इट्स अ वेरी रीजनेबल अमाउंट है जो है। या एंड प्राइसेस तो अच्छे हैं, ये ऑन टॉप ऑफ दैट लोकेशन भी बहुत की होती है, बिल्कुल हाईवे के पास कैम्ब्रिज मेमोरियल हॉस्पिटल आपके पास है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, पॉन्ड है, न्यू कम्युनिटी है बिल्कुल। तो इसमें कुछ बिल्डर कुछ इंसेंटिव्स भी दे रहा है इस प्रोजेक्ट में? या आपको $5,000 मिलेंगे अपना हाउस कस्टमाइज करने के लिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड आपको बिल्डर अप्लायंस पैकेज भी दे रहा है
विद द स्मार्ट होम सिस्टम, तो बहुत कन्वीनियंट है, राइट? एंड आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी कैप्ड है। ओके, सो आपको पहले पता होगा कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस इतने ही रहेंगे, क्योंकि ये देखने में आया प्रवीण जी, हमने पिछले प्रोग्रामों में ये बात भी की थी कि बर्लिंगटन में एक प्रोजेक्ट लिव कम्युनिटीज का आया था, तो वहां पे बिल्डर ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए थे और वो सारे जो रेजिडेंट्स थे वो मिलके कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा कि हम प्रोग्राम के बाद जब अगले दिन बर्लिंगटन गए थे तो वहां पे मुलाकात हुई थी उस ग्रुप के साथ हमारी, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत बड़ा फीचर है कि यहाँ पे वो डेवलपमेंट और लेविज वगैरह कैप कर रहे हैं। ये आपको फिर क्लोजिंग टाइम भी थोड़ी क्लैरिटी होती है कितने फंड्स हमने साइड रखने हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इतनी कैपिंग इतना अमाउंट पे करना पड़ सकता है, पर इससे ज्यादा नहीं। जी तो प्रवीण जी, वापस आते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे। हमने प्राइस की बात की, इन्वेंटरी की बात की, एक जो इसका एक और पहलू जो है वो है नंबर ऑफ एजेंट्स, और जो एजेंट्स इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एजेंट्स बढ़ेगा, उनकी इनकम या वो सारा कुछ जो है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो डिल्लो साहब, एक चीज तो ये है कि जो भी कोई काम अच्छा होता है, जी, जो भी कोई अच्छा काम होता है उसमें हमेशा कंपटीशन होता ही होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है जी। और अच्छा का अच्छा से यहाँ रिवार्डिंग जो है कि रिवार्डिंग के हिसाब से है, रिवार्डिंग है जो बिजनेस, रिवार्ड भी है, रिस्पेक्ट भी है, दोनों चीजें हैं। मतलब अगर आप अच्छा काम करते हो आपकी रिकॉग्निशन भी है इस बिजनेस में, आई थिंक शायद जी। कॉल लेते हैं फिर कंटिन्यू रखते हैं। जी वेलकम टू द शो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी शबीर बात कर रहा हूँ। जी शबीर भाई, सर क्वेश्चन ये है कि मैंने ना वो अभी मार्केट सेलर के लिए कब है, कब आएगी, कब बेस्ट टाइम है, क्योंकि प्रॉपर्टी हुई थी वो क्लोजिंग की तरफ आ रही है, लेकिन जैसे लगता है कि मतलब क्या मूवमेंट है मार्केट की, आप क्या रिकमेंड करते हैं बेचने की, कौन सी मार्केट में बाय की? आपने कब घर बाय किया था? सर मैंने ये लेटो से लिया था, डंडलॉक में ही। डंडलॉक में लिया था? डंडलॉक में लिया था जी। ये किस ईयर में लिया था आपने ये? सर ये लास्ट ईयर लिया था जी। सो 2022 में लिया था आपने? किस मंथ में लिया था? उसका फेज 11 है जी, उसमें लिया था जी। अच्छा नहीं, लेकिन किस मंथ किस में लिया था आपने? अराउंड ईयर एंड लिया था जी। अच्छा, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022। जी बिल्कुल। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी या आप एंड यूजर? सर वो वैसे वो जो चल रहा था ट्रेंड, उस वक्त सब कोई इन्वेस्टमेंट ही कर रहा था, तो मैंने भी उसी तरह से इन्वेस्टमेंट किया था। मैं बात कर रहा हूँ जी। शिविर साहब, आप एक दो चीजें और बताना मुझे कि ये जो आपने प्रॉपर्टी ली है लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में ली है? हाँ जी, राउंड दैट टाइम सर, दिसंबर में। तो इसका मतलब वो उस टाइम पे ली है जब मार्केट लो थी? जी सर। चलो, और अभी इसकी क्लोजिंग कब आ रही है? ये उन्होंने थोड़ी डिले कर दी है, मेरा ख्याल ये एंड 2024 हो जाएगा जी। 2024 में होएगा अपने। ये प्रॉपर्टी आपने बिल्डर से ली है या असाइनमेंट में ली है? जी फ्लैट से डायरेक्टली है वो। देखो मार्केट जो है अभी शबीर साहब वो बेटर हो रही है, और आने वाले टाइम में जो हमारी जजमेंट है प्राइसेज और बेटर हो जाएंगे। और दूसरी एक बात ये है कि आप आई डोंट नो कि आपने कितने की प्रॉपर्टी वहां पे ली है और आज की डेट में वहां पे उसका प्राइस वगैरह क्या है, क्योंकि वहां पे पास्ट में कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जिन्होंने काफी हाई मार्केट में प्रॉपर्टी ली थी और बाद में उनको अप्रेजल्स का इशू आया था। वो अकेला एक इस बिल्डर की प्रॉपर्टीज का नहीं था, वो और भी कई बिल्डर्स थे, यहाँ पे इशू आया था उनका बाद में अप्रेजल्स के बारे में। बट आपका अभी मुझे इतना मतलब क्लैरिटी नहीं है कि वहां पे जो आज की मार्केट में वो प्राइसेज है आपकी प्रॉपर्टी उस रेंज में है या उससे ऊपर या नीचे है? उसी रेंज में है। उसी रेंज में है। अगर उस रेंज में है तो मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा टाइम होल्ड करें, आपको इसका बेटर प्राइस मिलेगा। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरे पास दो प्रॉपर्टी और है। हाँ जी। तो मतलब ये है कि मैं साइन तो नहीं कर सकता,
क्योंकि वो लेकिन मैं अगर आके आपसे मिलूं, हाँ जी, तो एक यहाँ तो आप मतलब हमारी हेल्प कर सकते हैं 100% बेचने में 100% कर सकते हैं। आपकी जो तरफ क्लाइंट हो, हाँ जी, आप मेरी लिस्ट में रख लें, बिल्कुल पूछे तो आप एक कम करें शिविर साहब, हमारा ऑफिस का नंबर आप स्क्रीन के ऊपर है, आप उस नंबर पे कॉल कर लेना, वहां पे अपने ये ढिल्लो साहब या दिनेश होंगे, दोनों में से कोई भी होएगा, आप इनसे मिल लेना और वट एवर जो भी आपकी जरूरत होगी दे विल हेल्प यू। ठीक है, नहीं मैं खुद उधर आ जाऊंगा जी, मैं आके मिलता हूँ उनसे। ठीक है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर, मंडे नू आ जाऊं जी, मैं जरूर आ जाऊं जी सर, कॉल कर लियो तुसी ऑफिस दे विच ते डेफिनेटली मंडे नू आ जाऊं तुसी। चलो मैं आना जी, तो तानू फिर मेरी जिहड़ी प्रॉपर्टी मैं दस देना उहदे जिहड़ी तुसी समझो कि तुसी कर सकदे हो उह फिर मैं सिर्फ तुहाडे कोलों करवावांगा जी। मोस्ट वेलकम सर, उह नहीं देंगा जी, मोस्ट मतलब उह तुहाडा जिहड़ा नाम है ना जी, उह मतलब डेफिनेटली जिन्नू जिन्नू मैं पुछिया है उह मतलब वेल नोन एक्चुअली वेरी वेरी वेल नोन। थैंक यू शिविर साहब, नहीं चाहते कि हमें किसी और को छोटे मोटे नवे बंदे को जाके बंदा परेशान होता है, तो एटलीस्ट रिप्यूटेबल कंपनी को बंदा जाए तो फिर थोड़ी तकली होगी। डेफिनेटली सर, अगर होगा भी तो प्लीज मैंने थोड़ा गाइड करवा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, ओके जी, मुलाकात रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो वो जो ढिल्लो साहब हम बात कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ एजेंट्स की बात है कि ये जो बिजनेस है रियल स्टेट का, इससे रिवार्डिंग बिजनेस और इससे इट गिव्स यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, टू आपको अच्छी रिस्पेक्ट भी। सॉरी यहाँ पे मैं आपको टोकता हूँ, हमें इशारा हो चुका है कि वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके वापिस आ रहे हैं थोड़ी देर में। हम यूं गए और यूं वापिस आए, कंटिन्यू रखेंगे इसी बात को, आप देखते रहिए आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुसन का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहे, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुसन को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा, अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल नाउ 4373242885। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, वन स्टॉप ब्यूटी सैलून। एज अ मुस्लिम, you take pride in following your halal way of life. You want to ensure that everything you consume aligns with your value. That's where Nutrilux comes in. We offer a range of high-quality supplements that are certified halal and completely vegan, made with only the best ingredients. Our children's vitamins come in delicious gummy form, making it easy and enjoyable for kids to get the nutrients they need. For men, our supplements offer a convenient way to support your health and wellness, whether you're an athlete, a business professional, or a parent. For women, our supplements can help support your overall health and wellness, whether you're looking to boost your energy, support your immune system, or maintain healthy skin and hair. And for seniors, our tablets are designed to support your unique health needs and help you stay active and independent as you age. Nutrilux, supplements for every stage of life, so you can stay true to your halal values. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance, we also ship cars, Kailer Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 pe. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics.
please call 647-762-3956. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ तआवुन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा? जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं, जो उनकी जरूरी गजाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं। चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट, खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं। चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। जी, वेलकम बैक टू द शो लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो जैसा कि हम प्रवीण जी ब्रेक पे जाने से पहले बात शुरू करने वाले थे कि एजेंट्स के बारे में, हम तो एजेंट्स का जो मैंने बात की है कि आने वाले टाइम में जो मेरे को लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में एजेंट्स और नए जरूर आएंगे जी। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ एजेंट्स का भी नंबर भी बढ़ेगा जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी। और जो एजेंट्स के लिए एक और जो मुझे चीज नजर आ रही है, वो थोड़ा सा एक ये चेंज मुझे सबसे बड़ी इंडस्ट्री में चेंज नजर आ रही है कि जो इंफॉर्मेशन पहले लोगों को एजेंट से मिलती थी जी, वो इंफॉर्मेशन अब उनको बड़े और सोर्सेज हैं जिससे उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जी। तो जो एजेंट के बारे में उनके दिमाग में ये होता था कि ये बंदे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, अब वो चीज है वो खत्म हो गई है। बिल्कुल। अब एजेंट्स को इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन तो उनको होनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है, उनको अपने स्किल सेट का जो स्टैंडर्ड है वो भी काफी रेज करना पड़ेगा, या जैसे हम ये कह लें कि उनको वो भी अपना बेटर करना पड़ेगा अगर वो बायर सेलर्स का बिजनेस गेन करना चाहेंगे या अर्न करना चाहेंगे जी। क्योंकि बायर सेलर डे बाय डे बहुत इंफॉर्म्ड है पहले के मुकाबले, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनको नहीं पता होती। तो आपको अपना सर्विस का लेवल और अपना स्किल्स का लेवल काफी इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ये एक और जो मेरे को सबसे बड़ी चेंज आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में नजर आ रही है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है प्रवीण जी के, मतलब मार्केट में हजारों ही एजेंट्स हैं, तो जो खास करके जो सेलर्स हैं, हाँ जी, टीम अरोड़ा उनके लिए क्या मतलब खास करती है कि वो हमारे साथ लिस्ट करें अपना घर? देखो डिल्लो साहब, मैं इस बात के बारे में पहले भी बड़ी बार बात कर चुका हूँ कि हर एजेंट घर बेचना चाहता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, और हर एजेंट अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करता है हर घर को बेचने के लिए। बट मैं यहाँ पे इस चीज के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी एक दो चीजों के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ कि जो हम की स्ट्रेंथ है, जो हमारी टीम की स्ट्रेंथ है। चलो साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं,
हम उनके लिए काफी मेहनत करते हैं उनके स्किल सेट को और उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। और आई थिंक दिनेश इस बात के लिए जगजीत आप लोग भी मेरा ख्याल सहमत होंगे मेरे साथ कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो मार्केट के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उनको मार्केट की काफी इन डेप्थ नॉलेज होती है। करेक्ट, तो एक ये जो चीज है हमारी सबसे बड़ी एक तो ये चीज है, उससे क्या है कि जो हमारी प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उस मार्केट के मुताबिक और जहां जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है हमारी उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए वो काफी स्ट्रांग होती है कंपेयर टू एक आम एवरेज एजेंट के कंपैरेटिवली, बिकॉज वो ट्रेंड किए जाते हैं उस मार्केट के लिए काफी ज्यादा और उनका जो स्किल सेट है काफी बेटर है कंपेयर टू द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री की हम एवरेज की बात करें, ये जो चीज है ये सबसे बड़ा फर्क है जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी एक बात जो हमारी और है ढिलो साहब, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि जो भी कोई चीज हम कमिट करते हैं उनके साथ करने के लिए बायर या सेलर के लिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारा काम में कभी कोई कमी नहीं होती या हमसे कोई मिस्टेक नहीं होती, हमें हमारे काम में भी कमियां रह जाती हैं, कई बार हमारे से भी मिस्टेक्स होती हैं, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो चीज हमने कमिट की है वो चीज को हम डिलीवर करें और हम वो डिलीवर करते भी हैं। और उसका एक जो विटनेस है अभी आई थिंक एक जो हमारे शबीर साहब ने बात की, जैसे शो में पहले भी कई बार लोगों ने कॉल की है और वो लोग ही मतलब हमें बताते हैं कि आपके बारे में हमें ये चीज सुनने को मिली है कि आप लोग जो बात कहते हैं वो आप बात करते हैं। तो ये जो है हमारी सबसे बड़ी जो है वो स्ट्रेंथ है। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा अब अगर हम बात कर रहे थे जो इन्वेंटरी की बात कर रहे थे, हाँ जी, तो कुछ ऐसे और प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अपने देखने वालों को बता सकते हैं जगजीत, खास करके अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कोई है और प्रोजेक्ट्स जो हम अपने देखने वालों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें? यस, अगर ट्राइसिटी एरिया से स्टिक करें देन किचनर पे मूव ऑन होते हैं आफ्टर कैम्ब्रिज की डिस्कशन के बाद। किचनर के वेस्ट एंड पे एक बहुत अच्छा बिल्डर है एक्टिवा, उनका एक प्रोजेक्ट है, ये टाउन होम्स हैं, इन पे मेंटेनेंस फीस है पर इनकी प्राइसेस लो 500 से शुरू हो रहे हैं। कितने पे? लो 500 टाउन हाउसेस के। आप ध्यान से सुने, लो 500 में टाउन हाउसेस के प्राइसेस हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आप यहाँ पे घर नहीं ले पा रहे, मिसिसागा मिल्टन ब्रैम्पटन से किचनर की जो दूरी है ढिल्लो साहब कितनी, 45 मिनट्स? अगर आप मतलब रश आवर में भी जाएंगे तो 45 मिनट से ज्यादा। आप 45 मिनट की दूरी पे 5 लाख की रेंज में टाउन हाउस ले सकते हैं। तो इससे गुड अपॉर्चुनिटी आज की मार्केट में जो आपको मिल रही है जो आप अवेल कर सकते हैं। जितनी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इवन मैं भी अवेयर नहीं था इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि देखो लोकेशन भी किचनर डाउनटाउन, उधर बहुत देख रहे हैं टेक एंड अकाउंटिंग कंपनी, गूगल ने अपना हेडक्वार्टर उधर खोला हुआ है और उसे एक्सपैंड भी कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ जो है इसका खिताब मिल चुका है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इज नोन फॉर इंजीनियरिंग, खास करके कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जो सारी, और आजकल एआई का जमाना आ गया है तो वो सारे जो इंजीनियरिंग जो डिग्रीज हैं वो वाटरलू में है, तो वहां पे वर्कफोर्स रेडी कंपनीज को मिल रहा है, जो सिलिकॉन वैली बे एरिया में यूएस के मिलता है वो सारा यहाँ पे टैलेंट है, तो इसलिए कंपनीज काफी इंटरेस्टेड हैं। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने स्पेशल पैकेजेस भी दिए हैं इसको सिलिकॉन वैली नॉर्थ क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली, एंड आप इस डाउनटाउन किचनर जिधर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो, काफी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, विल्फ्रेड लॉरिए कॉलेजेस हैं, कनेस्टोगा कॉलेज तो डाउनटाउन किचनर से बिल्कुल 15 मिनट्स दूर ये प्रोजेक्ट साइट है, आप उधर बाय कर सकते हो जी, राइट, एंड इधर डिपॉजिट भी आपका 15% है सिर्फ, एंड फीचर्स 9-foot सीलिंग, एंड इधर बिल्डर आपको एक लाइफ टाइम गारंटी भी दे रहा है आपके रूफिंग के लिए जी, तो रूफिंग काफी बड़ा खर्चा हो जाता है, राइट, लाइफ टाइम गारंटी है या आपके रूफ शिंगल्स के लिए वो दे रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है अगर आप यू नो जैसे हम बात करते हैं जीटीए में नहीं अफोर्ड कर सकते या कम्यूटिंग के लिए ओके हो
मुझे जो लगता है कि ये ढिंडोसा फर्स्ट टाइम बायर और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ी ऑप्शन है। हम अक्सर बात करते हैं इन दोनों कैटेगरीज के बारे में। जी जी, वैसे भी अगर देखा जाए अब जो वर्क मॉडल्स कंपनीज जो प्रोवाइड कर रही हैं उसको वो कह रही हैं हाइब्रिड वर्क मॉडल, जिसमें आपको सिर्फ दो दिन ऑफिस में जाना पड़ता है, बाकी दिन आपके पास ऑप्शन है कि आप घर से काम कर सकते हो, तो कम्यूट का भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा है। वैसे भी किचनर वाटरलू जो है कोई ज्यादा दूर नहीं है, जो ट्रेन की गो ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है किचनर से, ग्वेल्फ से जो है वो कनेक्टिविटी है टोरंटो डाउनटाउन की, तो मेरे ख्याल से वो मसला भी वहां पे हल हो जाता है। तो अगर ये तो थी प्री कंस्ट्रक्शन की बात, दिनेश हमारे पास अगर हम अगर फर्स्ट टाइम बायर्स को ही देखें तो क्या हमारे पास रीसेल में कुछ ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो हम अपने देखने वालों को साथ शेयर करना चाहेंगे? जरूर या, तो उसमें देखें जैसे कुछ हैं, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन इज ए गुड ऑप्शन कि अगर आप आज बुक कर देते हैं डाउन द रोड आपको चीज मिलती है, बट अगर कोई हमारे भाई बहन कोई रीसेल में देख रहे हैं जिनको अभी विद इन 60, 90, 120 डेज क्लोजिंग चाहिए और वो अंडर ए मिलियन कोई देख रहे हैं, तो हमारे पास मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर काफी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल, मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बॉर्डर के ऊपर 407, 401 इजी एक्सेसिबल है वहां से। जी जी, तो वहां पे अगर आप देख रहे हैं दो बेडरूम का हमारे पास 780 से हमारे पास एक यूनिट अवेलेबल है। जी जी, तो और उसके ऊपर भी हमारा कल ओपन हाउस रहेगा। जी जी, और इसके अलावा 950 की रेंज से हमारे पास एक ईडनबर्ग स्ट्रीट है, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी है वो भी अवेलेबल है। अगर आप कोई फ्री होल्ड टाउन हाउस देख रहे हैं तो स्काई हार्बर के ऊपर हमारे पास एक टाउन हाउस अवेलेबल है और वो भी अंडर ए मिलियन है। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा इसके ऊपर देख रहे हैं तो एक राइजिंग हिल के ऊपर 26 राइजिंग हिल हमारे पास एक सेमी डिटैच है, जिसमें बेसमेंट जो है विद सेपरेट एंट्रेंस और उसमें फुल अपार्टमेंट बना हुआ है जिसको आप रेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जी, और इन सभी प्रॉपर्टीज पे हमारा कल और परसों दोनों दिन 1:30 to 4 o'clock हमारा उसके ऊपर हमारा ओपन हाउस रहेगा। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर तो आप विजिट कर सकते हैं और हमारे सेल्स पर्सन से बात कर सकते हैं। एक लिस्टिंग मैं भी यहाँ पे शेयर करनी चाहूंगा कि आजकल जो बंगलोज हैं वो बनने बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। कोई भी बिल्डर आजकल बंगलोज, खास करके अगर हम ब्रैम्पटन मिसिसागा की बात करें, तो बंगलोज नहीं बना रहे हैं। तो हमारे पास एक बंगलो लिस्टेड है क्वीन स्ट्रीट और मिसिसागा रोड के एरिया में। ये 3 bedroom का 2500 स्क्वायर फीट बंगलो है, बहुत ही प्रेस्टीजियस एरिया है ब्रैम्पटन का, और इसमें 3-car गैराज की पार्किंग जो कि आउटसाइड द मेन हाउस है। ये एल शेप की प्रॉपर्टी है। यूजली क्या होता है कि बहुत सारी जगह पार्किंग गैराज जो है वो ले लेता है घरों में, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये गैराज जो है अटैच्ड है लेकिन मेन हाउस से बाहर है, और ड्राइववे पे आप कम से कम 8-10 कारें जो है वो पार्क कर सकते हैं। तो अगर आप एक बंगलो देख रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बंगलो का है, अच्छा गुड साइज 150 by 90 feet का लॉट है इसका, बहुत अच्छी प्राइस में ये बंगलो हमारे पास लिस्टेड हुआ है, आप इसके बारे में भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर 416-910-8923 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज का तकरीबन ओपन हाउस इस वीकेंड पे हमारे एजेंट्स जो हैं, टीम मेंबर्स जो हैं वो करेंगे। आप किसी भी प्रॉपर्टी पे हमें कॉल करके इसके बारे में ज्यादा मालूमात ले सकते हैं। तो प्रवीण जी, अब ऑलमोस्ट ये जो लिस्टिंग हमारी दिखा रहे हैं ढिलो सर, ये वो बंगलो नहीं, एक ये जो मेरा कल दिनेश, हाँ जी, ये टाउन हाउस एंड यूनिट, ये अपार्टमेंट, और जो इसकी लोकेशन है बहुत ही प्रेस्टीजियस है, मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। और भी कोई अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-910-8923, और कल और परसों हमारा ओपन हाउस भी रहेगा इस प्रॉपर्टी पे, और आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं फ्रॉम 1:30 to 4 o'clock। जी,
तो जाते जाते प्रवीण जी कोई मैसेज हमारे देखने वालों मैसेज देखो ढिल्लो साहब मेरा मैसेज सेम ही है कि जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो खास करके फर्स्ट टाइम बायर हैं आज उनके बारे में काफी ऑप्शंस डिस्कस किए हैं हमने जो कि कैम्ब्रिज की ऑप्शन है बाकी एक किचनर के बारे में जपजीत ने बात की है किचनर में भी जो टाउन हाउसिंग है 5 लाख आई मैं तो पहले मतलब आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट मेरे को भी शो में आने के बाद ही पता चला है कि 5 लाख की रेंज में वहां पे टाउन हाउस अवेलेबल है विच इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस अगर जीटीए की मार्केट का हम कंपैरिजन करें बाकी जो लिस्टिंग्स दिनेश ने शेयर की हैं वो भी काफी अच्छी हैं फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए अगर कोई बंगलो देख रहा है तो बॉटम लाइन ये है कि हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी काफी ऑप्शंस रहती हैं हमेशा काफी इन्वेंटरी रहती है और अगर आप अपना घर बेचना भी चाहते हैं तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं हम आपकी प्रॉपर्टी की फ्री इवैल्यूएशन करके देंगे हमारे टीम मेंबर्स कोई आपका उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ बेचना या खरीदने का बट जो हमारी आपको ये कह सकते हैं कि जो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगी आपको कोई अच्छा डिसीजन बनाने के लिए जी बिल्कुल इसके साथ साथ अगर आप कमर्शियल रियल स्टेट में कुछ भी देख रहे हैं एक छोटे बिजनेस से लेके होटल मोटल गैस स्टेशंस कोई बैंक्वेट हॉल आप देख रहे हैं यानी कि कमर्शियल रियल स्टेट का आपका कोई भी मसला हो आप हमें भी उसमें भी कॉल कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारी फ्रेंचाइज नॉन फ्रेंचाइज लिस्टिंग्स मौजूद हैं उसमें से आपका जो भी इंटरेस्ट हो हम आपको वो गेन करने में मदद कर सकते हैं तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात रहेगी तब तक के लिए इजाजत दें शबक है